the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so hello everyone namaskar am dr paramjit rahe dr education dost to ajamari bachit hogi ek aise blood test key jo जान बचा सकता है कई लोगों की ये ब्लड टेस्ट जी हाँ ये ब्लड टेस्ट है ब्लड टेस्ट हार्ट अटैक के लिए किया जाता है हार्ट अटैक के टाइम पे अटैक वाले पेशेंट्स जिनको अटैक हो रहा है उनमें ये बहुत जरूरी टेस्ट है जो बता देता है कि जी हां अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा ये टेस्ट है ना कोई जी नहीं है ईसीजी एक टेस्ट बहुत जरूरी टेस्ट है हमने ऑलरेडी इसके बारे में कई बार बातचीत की है लेकिन आज का जी जांच है उसका नाम है ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन टेस्ट ट्रोपोनिन ये एक ब्लड टेस्ट है ये मेजर करता है एक एंजाइम जो है ट्रोपोनिन आपके ब्लड में सो तो आपके ब्लड में ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो कि आपके हार्ट की मसल के अंदर मिलता है तो हार्ट की मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन और ये ट्रोपोनिन नॉर्मली खून में नहीं पाया जाता खून में नहीं पाया जाता है लेकिन जब भी दिल की मसल डैमेज होती है किसी भी कारणवश दिल की मसल डैमेज होती है चाहे उस पर कोई हथोड़ा लगो हो चाहे गोली लगी हो क्या अटैक हुआ हो चाहे इंफेक्शन हुआ हो वट एवर माइट बी द केस हार्ट की मांसपेशियां जब भी डैमेज होती है ट्रोपोनिन आपका खून में आ जाता है और खून में वो पकड़ में आ सकता है अगर खून में ज्यादा मात्रा में जितनी ज्यादा मात्रा में ट्रोपोनिन मिलेगा उतनी ज्यादा मात्रा में हार्ट का डैमेज माना जा सकता है सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगर समझ आ रही है अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाते रहिएगा ओके सो हाई लेवल ऑफ ट्रोपोनिन द ब्लड मीन दैट यू आर हैविंग रिसेंट हार्ट अटैक चल रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है एक बार डैमेज होगा तो जिंदगी भर ट्रोपोनिन नहीं मिलेगा ये दो हफ्ते तक रह सकता है और इसको डिटेक्ट होने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है ऐसा नहीं कि अभी निकला तो हार्ट से निकला खून के इधर इधर वाले हिस्से में आया तो यहां डिटेक्ट हो जाएगा नहीं उसको कभी कभी एक से दो कभी दो कभी चार घंटे लग जाते हैं डिटेक्ट होने में डिटेक्टेबल होने में सो हार्ट अटैक होता है तो हार्ट के अंदर खून की नस में ब्लॉकेज हो गया खून की नस ब्लॉक है कोई ना कोई जगह पे जाने वाली वहां पर डैमेज हुआ डैमेज के वजह से हार्ट मसल्स के अंदर से ट्रोपोनिन खून में आया खून में वो फैल के आपको डिटेक्टेबल हुआ सो दैट इज ठीक है और यहां पर जल्द से जल्द इलाज ना मिले तो जान जा सकती है भाई साहब इसीलिए ट्रोपोनिन टेस्ट बहुत जरूरी है ट्रोपोनिन में कई सारे प्रकार के ट्रोपोनिन है देर आर अदर टाइप्स जैसे के ट्रोपोनिन आई ट्रॉप आई, ट्रोपोनिन टी ट्रॉप टी या ट्रोपोनिन कार्डियक ट्रोपोनिन जो प्लेन ट्रिपल ट्रोपोनिन है ठीक है हार्ट के लिए स्पेसिफिक वाला है ट्रॉप आई और ट्रॉप टी ये हार्ट के लिए स्पेसिफिक है ट्रोपोनिन वैसे थोड़ी मात्रा में बाकी सारी मसल्स में भी होता है तो किडनी की बीमारी या दूसरी इंफेक्शन में भी थोड़ा बहुत ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ सकता है लेकिन ट्रॉप आई ट्रॉप टी हार्ट की बीमारी में ज्यादा मात्रा में आता है तो यह भी देखना जरूरी है कि कितना हाई है माड़ा मोटा हाई है तो दूसरी कोई दिक्कत तो नहीं है वो भी देखना जरूरी है लेकिन एक छाती के पेशेंट जिसको छाती में दर्द हो रहा है जिसके इसी में गड़बड़ है नहीं है सिम्टोमेटिक पेशेंट्स लाइकली रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं सो so, टेस्ट क्या इस्तेमाल होगा डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक और कई बार ये एंजाइना को मॉनिटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि मान लीजिए आपको छाती में दर्द हो रहा है पहला ट्रोपोन ठीक आया छे घंटे बाद करा के देखते हैं छे के बाद अगर ट्रोपोनिन बढ़ रहा है डबल से ज्यादा मतलब अटैक यानी तो तो नहीं हो रहा बात समझे कैसे मॉनिटर हो रहा है ऐसे मॉनिटर हो रहा है हार्ट में ट्रोपोनिन लेवल्स इज इक्वल टू मतलब डायरेक्टली सो so, चेस्ट पेन है एंजाइना है ट्रोपोनिन लेवल्स किए जाते हैं एंड एनटिल

सांस में दिक्कत हो रही है तब भी किया जा सकता है किसी किसी को अगर चक्कर आ रहा है पसीना आ रहा है तो भी किया जा सकता है और अगर इन्फीरियर वॉल इन्वॉल्व हो तो कभी कभी स्वेटिंग नोजिया फटीग में भी किया जा सकता है आफ्टर यू आर टेस्टेड फर्स्ट याद रखिए रीटेस्ट बहुत जरूरी है दो बार कई बार तीन बार करा पड़ता है छह घंटे के बाद या चौबीस घंटे के बाद सी की ट्रोपोनिन लेवल बढ़ तो नहीं रहे तो so, क्या होता है एक टेस्ट में आपके वेन से थोड़ा सा खून निकाला जाता है वेन से खून निकाल के ट्यूब में डाल वापस भेज दिया जाता है ट्रोपोनिन टेस्ट को दो तीन प्रकार के होते हैं एक तो होता है कार्ड टेस्ट

क्वांटिटेटिव ट्रोपोनिन टेस्ट एग्जैक्ट नंबर बताता है कि आपके खून में एग्जैक्ट ट्रोपोनिन एंजाइम कितने हैं कितनी कितने प्रोटीन है वो एग्जैक्ट ट्रोपोनिन सो क्वांटिटेटिव टेस्ट ज्यादा रिलायबल है उसमें फास्ट एक्ट वाली मशीनें भी आती हैं जो 15 20 10 15 मिनट में रिपोर्ट बता देती हैं एक कई सारे एमरजेंसीज में आपको मिल जाएगी बड़े बड़े अस्पतालों के छोटे मोटे अस्पतालों के भी मिल जाएगी और नहीं तो एक जो लंबा टेस्ट होता है उसमें भी पैंतालीस मिनट आधा घंटा एक घंटे से ऊपर ना टाइम नहीं लगता सो so, ये टेस्ट आप एमरजेंसीज में जाके करा सकते हैं अपने लोकल मल्टी uh, स्पेशलिटी या कार्डियक स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल में सो दिस इज देयर ट्रोपोनिन टेस्ट सो उसके उसमें कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है कोई खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है कोई किसी हिसाब की जरूरत नहीं होती है और किसी भी तरह का मेजर रिस्क फैक्टर नहीं है बस सुई लगाने वाला जितना जितना उतना रिस्क उसमें भी होता है कि सुई लग रही है तो सुई के दर्द सुई से थोड़ा बहुत जो भी जिसने लगाया गलत लगाया तो वो गलती हो सकती है बाकी कोई इंजेक्शन टेस्ट में कोई रिस्क नहीं है रिजल्ट का क्या मतलब नॉर्मल लेवल का मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर एंजाइम ट्रोपोनिन नहीं है या बहुत ही ज्यादा कम है सिंपल तो ऐसे केस में अगर हमें लग रहा है फिर भी हमें क्लिन, क्लिनिकली पेशेंट को देख के लग रहा है कि ये हार्ट के सिम्टम है हार्ट का ही अटैक है दिल का पेन है तो फिर इसे में ट्रोपोनिन रिपीट करेंगे और अगर आपको पता है कि नहीं तो फिर भी अगर नॉर्मल आता है तो दैट मीन्स आपके हार्ट में कोई डैमेज नहीं है और अगर पॉजिटिव है तो फिर हार्ट में डैमेज है थोड़ा पॉजिटिव है तो हमें और लाइकली कॉजेज देखने होंगे क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव जैसा हमने बताया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी बीमारी किडनी की बीमारी कोई पैरों में लंग्स में ब्लड क्लॉट हो जाए पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए डीवीटी हो जाए पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी थोड़ा पॉजिटिव आ सकता है लेकिन बहुत पॉजिटिव है हज़ारों में आ रहा है तो फिर वो सौ गुना पॉजिटिव है तो पक्की बात है हार्ट अटैक है सो so, ये इंपॉर्टेंट चीजें समझनी जरूरी है इसके बारे में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और अगर आपके आ, आपको डाउट है कि आपको आ, हार्ट अटैक है या नहीं तो ट्रोपोनिन टेस्ट जरूर कराए और और कुछ केसेस में ट्रोपोनिन इंपॉर्टेंट हो जाता है मान लो कोई ए टिपिकल चेस्ट पेन का पेशेंट किसी को चेस्ट पेन होता है लेकिन पक्का नहीं पता कि ये हार्ट का है कि नहीं तो कई बार हम उसे पेशेंट को ट्रेडमिल पे चलाने के लिए बोलते हैं क्योंकि ईसीजी में कुछ नहीं आ रहा ईसीजी नॉर्मल है ईसीजी नॉर्मल है तो ट्रेडमिल पे चल के देखो कहीं ईसीजी में चेंजेस बढ़ते तो नहीं है जब आप चल रहे हो अब ऐसे केस में अगर उसके डैमेज हो रहा है हार्ट के अंदर और उसको ट्रेडमिल पे चला देंगे तो मान के चलिए हार्ट की नसों में खून का ब्लॉकेज है हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है, है और ऐसी जगह पे ऑलरेडी खून कम जा रहा है ऐसे इंसान को ट्रेडमिल पर दौड़ा देना मतलब धीड़ धड़कन बढ़ा देना मतलब हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई कि जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा देना जबकि ब्लॉकेज है तो ऐसे में उसको अटैक आ सकता है इसीलिए ऐसे कोई भी पेशेंट जिसको छाती में दर्द हो रहा है ट्रेडमिल पे दौड़ाने से पहले उसका ट्रोपोनिन टेस्ट दो बारी जरूर किया जाता है एक बार पहले एक बार छठ बारह घंटे के बाद ताकि हमें यह श्योर हो जाए कि कोई भी किसी भी प्रकार का आ, अटैक नहीं हो रहा है किसी प्रकार का हार्ट में डैमेज नहीं है और ट्रोपोनिन टेस्ट आपका ठीक है ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी कार्डियोग्राफी और ट्रोपोनिन ये तीन टेस्ट आपको क्लियर कट बता देते हैं कि अटैक है कि नहीं हार्ट की कोई बीमारी है कि नहीं है ई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राम और इको कार्डियोग्राफी और ट्रोपाई ट्रोपोनिन टेस्ट और ई ये सीरियली किए जा सकते हैं मतलब एक के बाद एक किए जा सकते हैं मॉनिटर करने के लिए और उस दौरान कायदे से किसी भी सिम्टोमैटिक पेशेंट को किसी भी पेशेंट जिसको डाउट है हार्ट अटैक का अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए तो ये बहुत जरूरी जानकारी है दोस्तों जो हर इंसान को होना चाहिए लिटरली ये तो स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए तो जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं पढ़ाएंगी हम इस वीडियो को शेयर करेंगे ठीक है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और डॉक्टर परमजीत इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम देर फॉर यू थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थ